जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान RPL में। दोस्तों आपको बता दें कि UPSI में एक क्वेश्चन दोस्तों गुणनखंडों की संख्या से पूछा जा रहा है, तो हमने सोचा दोस्तों कि इस पर भी वीडियो बना दी जाए क्योंकि बहुत ही आसान है और बच्चे को नहीं पता तो उसके 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन चला जाएगा, छूट जाएगा। ठीक है, वैसे आपको भी पता है कि हम मैथ्स के वीडियो बनाते नहीं हैं क्योंकि कुछ अभाव है दोस्तों, ठीक है, ब्लैक बोर्ड वगैरह की। मगर दोस्तों हम ये वीडियो लेकर के आए थे क्योंकि इसको हम आसानी से समझा सकते थे। और आपको पता है कि शून्यों की संख्या पूछता है, कितने शून्य होंगे दोस्तों। मान लिया दे देता है 15 फैक्टर में कितने शून्य होंगे फैक्टोरियल में। तो दोस्तों अगर इस पे वीडियो चाहिए, अगर आपको नहीं पता तो हम बना देंगे। और आपको बता दें इस तरह क्वेश्चन आपको UPTET और CTET के एग्जाम में पिछली बार पूछा गया था, UPSI में तो इस बार पूछा ही जा रहा है, तो हो सकता आपके भी उसमें आ जाए। तो देखते हैं, एकदम इजी सा है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है, देखिए गुणनखंडों की संख्या क्या होती है। मान लिया हम आपसे पूछें कि भैया 5 के गुणनखंड कितने होंगे, 5 के कितने गुणनखंड होंगे, तो आप सीधी सी बात बताओगे भैया कि 5 जितने संख्याओं से कट रही होगी वही इसके गुणनखंड हो जाएंगे। देखिए 5 किससे कटेगी, 1 से कटेगी और 5 से कटेगी। मगर दोस्तों हम छोटी संख्याओं तो बता सकते हैं। अब आपसे कोई पूछेगा 4 के गुणनखंड कितने होंगे, तो आप बोलोगे सर ये 1 से भी कट जाती है, 2 से भी कट जाएगी और खुद 4 से भी कट जाएगी, यानी कि 3 गुणनखंड होंगे। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप पढ़ते जब जाएंगे तो ज्यादा दूर तक आप नहीं पहुंच पाएंगे इस तरह से। ठीक है, अब मान लिया आपसे कह दिया भैया 1000 कितने गुणनखंड होंगे, तब फिर आपके पसीने छूटने स्टार्ट हो जाएंगे और वहीं से आप खत्म कर देंगे यहाँ पे। मगर दोस्तों इतना बहुत ज्यादा आसान है क्या, बहुत ही ज्यादा आसान है, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। तो हम लेकर के आए हैं दोस्तों, अगर आप पूरा देखते हैं तो बिल्कुल आसान सा, हम बहुत ही कम समय में। देखिए हमारा मकसद ये नहीं कि हम वीडियो को लंबा करें, खींचें, बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी जानकारी देकर के चले आते हैं। ठीक है, और तो शायद आप लोगों को पसंद भी है। चलिए शुरू करते हैं फालतू वाली चीज़ें छोड़ के। अब देखिए आपसे क्वेश्चन आएगा, मान लिया कि 10 के गुणनखंड कितने होते हैं, 10 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है। आप कहेंगे ये 10 1 से कटेगा और 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, तो हम कह देंगे 4 गुणनखंडों के। मगर ऐसे कब तक निकालेंगे, तो दोस्तों सबसे सिंपल से तरीका क्या है आपको बता दें। जैसे मान लिया 10 के गुणनखंड पूछा उसे आपने आपसे, तो आप क्या करिए 10 के, आप क्या करिए लासा जैसा निकालिए, जैसे हम ना गुणनखंड कर ले। तो देखिए 10 से पहले 2 से काटेंगे 5 आएगा, फिर 5 से काटेंगे 1 आएगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको क्या लिखते, समझिएगा, 2 की घात 1 और 5 की घात 1, क्योंकि 2 का भी 1 ही बार गुणा हुआ है, 5 का भी 1 बार। देखिए 2 की घात 1 और 5 की घात 1 लिख लिया, अब क्या करना है वो समझिएगा। अब देखिए 2 की जितनी भी घात, दोस्तों मान लिया 2 की 1 घात है, तो हम इससे 1 बढ़ा के संख्या लिख लेंगे, यानी कि 1 घात है 2 लिख लिया। अब 5 की कितनी घात, दोस्तों 1 इससे बढ़ा के 1 संख्या लिख लेंगे, दोस्तों कितने लिख लेंगे 2 लिख लेंगे। अब इनका गुणा करवा देंगे, वही हमारा क्या आ जाएगा, गुणनखंड आएगा, यानी 4 गुणनखंड होगा। समझिएगा, अगर यहीं पर 2 की घात 2 होता तो हम 3 लिखते नीचे, मतलब कि 2 की घात अगर यहाँ 4 होता तो 5 लिखते। समझिएगा कहने का मतलब क्या है, जो भी घात लगती है दोस्तों उससे 1 ज्यादा लिख करके हम गुणा करवा लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता है 10 निकल चुका। अब आपसे पूछे कोई कि 105 में दोस्तों गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो आपको पता है कि 105 1 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 21 से कटेगा, 35 से कटेगा, 105 से कटेगा, यानी हम देखते हैं दोस्तों तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इनके गुणनखंडों संख्या 8 होगी। मगर हम निकालेंगे कैसे, तो वो हम आपको बताना चाहते हैं, वो समझिएगा। देखिए 105 को हम पहले 3 से काटेंगे दोस्तों, 35 आएगा, फिर 5 से काटेंगे, फिर 7 आएगा, फिर 7 से काट देंगे, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, आपको पता है क्या लिख सकते हैं, थोड़ा समझिएगा, 105 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 3 गुणे 5 गुणे और 7, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 घात 1, क्योंकि 1 ही बार है, 5 की घात 1 और 7 की घात 1। अब देखिए क्या करेंगे, अब जो 3 घात लगे दोस्तों उससे 1 ज्यादा बढ़ा के लिख लेंगे संख्या, तो 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 ही घात लगी और 1 यहाँ भी है और 1 यहाँ भी, तो यानी गुणे 2 कर लेंगे। अब इनका गुणा करके वही आपका क्या हो जाएगा, गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 ही हो जाएगा दोस्तों 105 के गुणनखंड। ये बिल्कुल और बिल्कुल परम सत्य आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा सर जी एक एक वाले ही क्यों ले रहे हो, है ना, मान लिया ज्यादा वाला आगे कैसे करेंगे, तो भैया आ गया आपका एक, आपका आ गया 500। अब 500 का देखते हैं कि 500 में गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। देखिए हम पहले 2 से काटें कितना है, 250 आया, फिर 2 से काटें 125 आया, फिर देखिए 2 से नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे दोस्तों 50 25, है ना, 5 2 10 50 25 25 आ गया, और 5 से काटा फिर 5 आ गया, फिर 5 से काटा 1 आ गया। यहां हम देखते हैं दोस्तों, देखिए इसको आसानी आराम समझिएगा तब आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। देखिए यहां पे कितने गुणनखंड है, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे
और गुणे पांच, ठीक है। ये अब देखिए, दो को हमने कितनी बार गुणा किया, तो दो बार किया, तो इसलिए दो की घात हम दो लिख लेंगे, ठीक। जितने बार गुणा में होगा दो कर लेंगे, देखिए दो दो बार आया है तो दो की घात दो कर लेंगे। अब पांच कितनी बार आया है, तीन बार। अब देखिए अगला स्टेप क्या होता है, देखिए घात कितनी लगी, तो हमें ये नहीं पता, ये नहीं मतलब किस पे लगी, हमें मतलब केवल घात से होता है, ये नहीं भैया दो पे लगी है कि पांच पे लगी कि छह पे लगी, हमें केवल और केवल घात से मतलब होता है। देखिए दो की घात कितनी लगी है, तो चार लगी है, तो सॉरी दो लगी है, तो दो की दो में एक बढ़ाएंगे तीन हो जाएगा। अब इतना पांच की घात कितनी है दोस्तों, तीन है, तो तीन में एक बढ़ाएंगे चार हो जाएगा, यानी चार तेई बारह, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, बारह हो जाएगा। 100 500 के टोटल 12 गुणनखंड होंगे। चलिए अब 800 की संख्या आती है, क्या दोस्तों 800 में देखेंगे हम कितने संख्याएं होंगी दोस्तों, 800 में गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, यानी 800 कितनी कितनी संख्या कट सकती है, कितने फैक्टर हो सकते हैं इसके। तो दोस्तों 800 के सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। लासा देखिए हमने निकाल रखा, क्योंकि इस तरह से निकालना थोड़ा अच्छा है, सही से नहीं बता सकते। देखिए दो से काटेंगे 800 को, तो दो से काटेंगे दोस्तों 400 आ जाएगा, फिर दो से काटेंगे फिर 200 आएगा, फिर दो से काटेंगे दोस्तों 100 आएगा, फिर दो से काटेंगे 50 आएगा, और फिर दो से काटेंगे 25 आएगा। मगर 25 अब दो से नहीं कटेगा दोस्तों, ना तीन से कटेगा ना चार से कटेगा, इसलिए हम सीधा पांच से काटेंगे, पांच आ जाएगा, और फिर पांच से काटेंगे पांच आ जाएगा। अब देखिए इसको हम लिख क्या सकते हैं, समझिएगा, ठीक है, समझने की कोशिश करिए। तो लिख सकते हैं दो, फिर गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो, कितनी बार, एक दो तीन चार पाँच, फिर दोस्तों गुड़े दो, और फिर पाँच गुड़े पाँच, समझिएगा। अब देखिए हमने देखा दो की घात कितनी बार लगा सकते, एक दो तीन चार पाँच, दो की घात पाँच लगा दिया। अब दोस्तों पाँच की घात दो लगाएंगे, क्योंकि पाँच दो ही बार आया है, तो ये लगा दिया। अब हमको मतलब होता घात से, तो दो की घात कितनी लगी है भैया, किसी की घात कितनी लगी, हमें घात से मतलब होता है बस, और किसी से भी नहीं। तो दो की घात पाँच लगी, यानी हम एक बढ़ा के लिख लेंगे छः। और दोस्तों यहाँ पे दो की घात कितनी लगी है, पांच की घात कितनी लगी, दो लगी दोस्तों, तो यहाँ हम एक बढ़ा के लिखेंगे तीन। तो छत्रिक कितना, छत्रिक कितना होगा दोस्तों, तो 18 हो जाएगा, तो यानी 18 ही इसका बिल्कुल परम सत्य आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके गुणनखंड। अब देखिए इसी को हम चाहते तो बहुत बड़ी वीडियो बना सकते थे, ठीक है, और क्वेश्चन ऐड करते, मगर क्वेश्चन ऐड करने का कोई मतलब नहीं, जब कॉन्सेप्ट और सब कुछ एक ही चल रहा है। हाँ, अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया तो हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और अगर समझ में आ गया तो भैया 50 गुणनखंड आप जरूर बताइएगा, ठीक है, 50 गुणनखंड आप जरूर बताइएगा। पहले आप गुणनखंड निकालिएगा, उसके बाद जितनी भी दोस्तों जिसकी मतलब कि घात लगती है उनको एक बढ़ा के आपस में गुणा करवाइएगा, वही आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं दोस्तों, कि आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, वहां हमने लिखा है यूपीएसआई क्विक रिवीजन, ठीक, यूपीएसआई क्विक रिवीजन, और वहां पे जाएंगे दोस्तों, वहां पे एक क्रम में लगी हुई वीडियो मिल जाएंगे दोस्तों, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और आपके कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नंबर इंक्रीज करने में मदद, क्योंकि हमने संविधान दोस्तों एक ही वीडियो बनाया है, ठीक है, और जनहित याचिका की वीडियो अगर नहीं देखी दोस्तों उसे देख लीजिएगा, वहां दोस्तों हमने एकदम ट्रिकी माध्यम से पढ़ाया है। तो चलिए दोस्तों कैसा लगा आपको, अगर आप कहते हैं दोस्तों तो मतलब जीरो की संख्या कितनी होती है वो भी हम आपको सिखा देंगे, क्योंकि दोस्तों फैक्टोरियल पुस्तक मान लिया पूछ लेगा 150 फैक्टोरियल में जीरो की संख्या कितनी होगी, तो इस तरीके से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। और दोस्तों बस इतना कहना चाहेंगे, अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, और हमें जरूर बताइएगा कि आपको भैया वीडियो पसंद आई है या नहीं। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।